नमस्कार, आप देख रहे हैं सिर्फ टीवी और मैं हूं आपके साथ विजेता घोष। चार दिवसीय छठ पर लोक आस्था का महापर्व छठ आज समाप्त होने वाला है। इसी क्रम में हम बरारी स्थित पुल घाट आए हुए हैं। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में छठ व्रती और श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। यहाँ पर बिल्कुल भी उत्साह में कमी नजर नहीं आ रही है कोविड को लेते हुए। यहाँ लोग वहाँ पर आप दिखा सकते हैं, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी मैं, आप गंगा नदी में दिखा सकते हैं। वहाँ पर लोग अभी गंगा नदी में उतरे हुए हैं, छठवती वहाँ उतरे हुए हैं। हालांकि अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, वो गंगा नदी में उतर के सूर्य भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वो उगेंगे और वो उगते हुए सूर्य को अर्घ दे के इस पर्व का समापन करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर सभी पूजा की सामग्री रखी हुई है, ये सारे सूप रखे हुए हैं, इन सूपों पर ही अर्घ दिया जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी तादाद में, कितनी बड़ी तादाद में लोग उमड़े हुए हैं। कोविड के दौरान ये पहली बार था जो लोक आस्था का महापर्व छठ पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन उत्साह में कमी बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी चारों तरफ दिखाएं, ये पूरे श्रद्धालु और छठव्रती को दिखाएं कि कितने तादाद में कितने उत्साहित लग रहे हैं लोग। और वहाँ पर छठव्रती इंतजार कर रहे हैं सूर्य देवता के आने की, ताकि वो अर्घ दे और अर्घ उन्हें चढ़ाया जाए। और आइए हम लोगों से भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कोविड के दौरान उनका उत्साह कैसा है और कैसा लग रहा है उन्हें इस बार। आपका नाम? आपका नाम वी फरीदा। कैसा लग रहा है आपको इस बार कोविड के दौरान पहली बार छठ पर्व मनाया जा रहा है, उत्साह कैसा, उत्साह में आपको लग रहा है कि कमी है या फिर बहुत धूमधाम से अब भी आपको लग रहा है कि कोविड को हराते हुए मनाया जा रहा है? नहीं, ठीक है, सब माहौल ठीक है। ठीक है, आप यहाँ पर अर्घ देने आई हैं? जी नहीं, बस छठ पर्व देखने आई है। नहीं, देखने आए। आइए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं उनसे। एक क्वेश्चन बस, आपका नाम? खुशी जी। कैसा लग रहा है आपको इस बार कोविड के दौरान पहली बार छठ मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है, उत्साह में कमी है इस बार? अच्छा लग रहा है। हाँ। अंकल आपका नाम? आपका नाम? राजू शर्मा। कैसा लग रहा है इस बार कोविड के दौरान पहली बार छठ मनाया जा रहा है, क्या लग रहा है, उत्साह में कमी है? बहुत उत्साह की खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत उत्साह की बात है। और सभी जो भी ये लोग हमारे आए हुए हैं सभी लोग खुश हैं और हम लोग भी सारे परिवार आए हुए हैं जो अर्घ वगैरह देने के लिए जो है ना सुबह सुबह हम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सारी व्यवस्था बहुत अच्छी। उत्साह में कमी देखी जा रही है इस बार कोविड को लेके? क्या कोविड को लेके क्या उत्साह में इस बार कमी देखी जा रही है? ऐसी तो उत्साह तो है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्टेंसिंग पालन किए हुए हैं और सारे लोग हमारे इस तरह के ही लग रहे हैं, देखने में ऐसा ही लग रहा है। और तो सर आपका नाम? वासुदेव यादव। कैसा लग रहा है इस बार छठ पर्व को लेके, क्योंकि इस बार कोरोना था तो कोरोना को लेके कितना उत्साह में कमी आई है, कितनी उत्साह में कमी आई है? कुछ भीड़ कम है अगले साल से। हाँ, कोरोना लेके काम है, कहाँ भीड़ है, ना भीड़ नहीं। सर आपका नाम? आशीष कुमार गुप्ता। इस बार क्या उत्साह में कमी देखी जा रही है? हाँ, कमी तो है। श्रद्धालुओं की बात करें तो क्या इस बार घाट पे कम भीड़ है पिछले वर्ष के जी पिछले वर्ष के मुताबिक, क्या इस बार घाट पे कम भीड़ है? हाँ, कम भीड़ है जी। तो कैसा लग रहा है इस बार आपको ये पर्व मनाते हैं? अच्छी लग रही है मैम। मेरा नाम लता कुमारी है। क्या लग रहा है आपको, क्या उत्साह में कमी नजर आ रही है इस बार कोरोना को लेकर? नहीं, ऐसे तो कोई कमी नहीं है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। पिछले वर्ष के मुताबिक क्या घाट पे इस बार कम भीड़ लग? हाँ, थोड़ा कम है लेकिन ठीक है, लेकिन घाट में ही अच्छा लगता है। सर आपका नाम? प्रदीप कुमार लाल। क्या लग
रहा है। जिला प्रशासन की तरफ से सभी तरह की हर तरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पर। व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन पूजा पर्व में तो अच्छा इस तरह लगेगा ही, थोड़ा सा थोड़ा भीड़ होगी ही, इसलिए उसमें तो सब मिलजुल के पर्व मनाते हैं ना इसमें। तो देखा आपने, लोगों में उत्साह की कमी नहीं है। हालांकि घाट में लोगों का कहना है कि पिछले वर्ष के अनुसार थोड़ी सी कम भीड़ है, लेकिन उत्साह में बिल्कुल भी कमी नहीं है। आइए एक बार यहाँ का माहौल दिखाते हैं आपको कि कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर भी श्रद्धालु उमड़े हुए हैं, यहाँ पर छठ पर्व मनाने के लिए आए हैं। और वहाँ देखिए गंगा घाट में छठ व्रती जितने भी हैं वहाँ पर खड़े हैं, सूर्य भगवान का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक सूर्योदय हुआ नहीं है, सूर्य भगवान का इंतजार किया जा रहा है। वो उगेंगे, वो आएंगे, फिर यहाँ पर अर्घ दे के उन्हें सुबह का सूर्य उदय का अर्घ दे के आज ये पर्व समाप्त हो जाएगा। कैमरामैन सुमित के साथ मैं विजेता घोष, सेल्फी टीवी।